आइए उन महाकाल को नमन करें जिनके सूक्ष्म संरक्षण में आप सभी इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में शक्ति भक्ति और ज्ञान लेने के लिए आए हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ पे मंचासीन हमारे शांति कुंज के वरिष्ठ सभी भाई साहब, प्यारी बहनों, आत्मी बंधुओं, आज उस दिन की पूर्व संध्या है जब परम पूज्य गुरुदेव स्थूल से सूक्ष्म में समाए थे। उनकी शक्ति हजार गुना बढ़ गई थी। नारी जागरण एक ईश्वरी कार्य है। ईश्वरी कार्य और मनुष्य के कार्य में इतना अंतर होता है कि मनुष्य थोड़े लिमिटेड का क्षेत्र में काम करता है, एक थोड़ी जगह काम कर सकता है, लेकिन जब वो सूक्ष्म हो जाता है, जब वो कारण शरीर में चला जाता है, तो उसकी शक्ति हजार गुना लाख गुना बढ़ जाती है। और वो शक्ति जो है जब काम करने लगती है तो उसी को ईश्वरी कार्य कहते हैं। इसका प्रमाण ये होता है कि मनुष्य की चलाई हुई योजनाएं थोड़े दिन में उसके जाने के बाद समाप्त होने लगती हैं, लेकिन जो ईश्वरी कार्य होता है उसके द्वारा चलाई गई योजना उसके बाद हजार गुना लाख गुना बढ़ जाती है। जैसा कि आप सब इस मिशन को देख रहे हैं कि वह दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता चला जा रहा है। अरस्तु ने कहा था कि किसी राष्ट्र की उन्नति या अवनति वहाँ की महिलाओं की उन्नति या अवनति के ऊपर डिपेंड करती है कि वहाँ की महिलाएं कैसी हैं। किसी राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक और ये सब चीज़ें जो हैं वो महिलाओं की स्थिति के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो कहने का मतलब है कि जहाँ की नारियाँ जो हैं वो सुसंस्कारित होंगी, स्वावलंबी होंगी और प्रगतिशील होंगी, वो राष्ट्र भी प्रगतिशील होगा। और जहाँ की नारियाँ दबी, कुचली, अनेक चतरे से दबी हुई होंगी, वो राष्ट्र भी वैसा हो जाएगा। इसका प्रमाण कि आए जब 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 नारियों पे अत्याचार अनाचार हुए हैं और वहाँ के मानवता के ऊपर, वहाँ की संस्कृति के ऊपर बादल मंडराए हैं, तब तब अवतारी सत्ताओं को इस पृथ्वी पर आकर संतुलन बनाना पड़ा है। चाहे वो सीता हरण में भगवान राम को आना पड़ा हो और उन्होंने देवत्व की स्थापना करके राम राज्य की स्थापना की हो, चाहे वो द्रौपदी के चीरहरण में भगवान कृष्ण को आगे आकर के भारत को महाभारत बनाकर देवत्व की स्थापना करनी पड़ी हो और गीता के माध्यम से विचार क्रांति के बीज बोने पड़े हों, और जब एक नारी को ईंटे से मार मार करके उसकी जान लेने की तैयारी की जा रही थी, जो कि बिल्कुल असहाय थी और जो कि निर्दोष थी, तो भगवान येशु की करुणा जगी और उन्होंने प्रेम ही ईश्वर का संदेश दुनिया को देख कर नारी को उसका राइट दिलाया। इसी तरह से मोहम्मद साहब के समय में एक एक पति के कितनी नारियां, कितनी स्त्रियां हो जाती थीं, सैकड़ों की अनगिनत संख्या में, और नारियों को वो अपनी स्थिति पर बिलखता छोड़ देते थे। तब उनकी करुणा जगी और उन्होंने उसका संख्या निर्धारित करके इस्लाम धर्म के चला करके, और तब नारियों को उसका जो है उसको फिर से उनको जो है अपनी स्थिति में लाने का प्रयास किया। इसी तरह से आज की स्थिति, अभी आपने दुबे भाई साहब से सुना कि आज की स्थिति में व्यक्ति, परिवार, समाज और पूरा विश्व जो है वो त्राही त्राही मची हुई है। विनाश के कगार पे आपका विश्व खड़ा हुआ है। तमाम तरह की समस्याएँ हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए कैसे होगा, इसके लिए फिर अवतारी सत्ता ने इस पृथ्वी पर, भूमंडल पर अतिथि के रूप में, प्रज्ञा अवतार के रूप में वो आए परम पूज्य गुरुदेव, और उन्होंने कहा कि ये सारी जो समस्याएं हैं इनका एक समाधान है। एक समाधान है कि आज बड़े आदमी तो बहुत बन गए, लेकिन महान आदमियों का अकाल पड़ गया है।
पैसे वाले, रुपए वाले, धन दौलत वाले, आराम करने वाले, ये बहुत सारी चीज़ें बढ़ गईं, लेकिन चिंतन चरित्र और व्यवहार से, जिसका चिंतन उत्कृष्ट हो, चरित्र आदर्शवादी हो और व्यवहार शालीनता से भरा हुआ हो, ऐसे महामानवों का अकाल पड़ गया। और इन महामानवों का उत्पादन ही आज का युग धर्म है, क्योंकि ये महामानव ही, जैसे अभी आपने सुना, युवा युवा हमारे देश की जो हैं वो आशा हैं। तो ऐसे महामानवों का उत्पादन यदि नहीं हुआ कि जो अपनी, अपने समाज, अपने परिवार, अपने अपने राष्ट्र की ही नहीं बल्कि विश्व की समाज समस्याओं को समाधान कर सकें, और जो अपने चिंतन चरित्र और व्यवहार से जो कि बिल्कुल चरित्रवान हो, गुणवान हो, प्रखर तेजस्वी हो, ऐसी संतानों को, ऐसी भावी पीढ़ियों को जन्म देने वाली अगर माता ही अनजान होगी तो बच्चे कैसे महान बनेंगे। इसीलिए नारी जागरण अभियान को परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये ईश्वरी योजना है, ईश्वरी योजना है, और ये जो है युग धर्म है। एक होता है शाश्वत धर्म, एक होता है युग धर्म। शाश्वत धर्म कभी नहीं बदलता, लेकिन युग धर्म जो है वो समय समय पर बदलते हैं। इस समय हमें ऐसी पीढ़ी की ज़रूरत है जहाँ पर महामानवों का उत्पादन हो सके। उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने ये अभियान चलाया, नारी जागरण अभियान। एक समय था जब हमारे देश की नारियां जो थीं वो ज्ञानी थीं, वेदों को लिख देती थीं, पढ़ती थीं और शास्त्रार्थ करती थीं। याज्ञवल ऋषि का गार्गी से संवाद हुआ, राजा जनक का संवाद हुआ सुलभा से, और वो जो नारियां ज्ञान के क्षेत्र में इतनी आगे थीं, वो तप के क्षेत्र में भी आगे थीं। मरे अपने मृतक पति को सावित्री ने जिंदा कर लिया था। अनसुईया ने अपने तीन देवों को जो है बच्चा बना दिया, और उन्होंने मंदाकिनी नदी को स्वर्ग से जमीन पर ला दिया, क्योंकि उनके पति को प्यास लगी थी। तो इतनी तपस्वी हमारी बहन है सौर के क्षेत्र में। वो राजा दशरथ को का जो रथ था उसकी सारथी उनकी पत्नी केकई थी, उन्होंने उसमें जीत ही नहीं दिलाई बल्कि उंगली डाल करके रथ की पहिया में अपने पति की जान भी बचाई। एक बार अर्जुन और कृष्ण का युद्ध हुआ, उसमें द्रौपदी उनकी सारथी बनी। युद्ध के क्षेत्र में उतनी ही सौर के क्षेत्र में आगे थी। संस्कारों के क्षेत्र में जो चाहती थी अपने बच्चे को गढ़ देती थी। शकुंतला जैसी महिला जिसके पति ने ये कहने से इनकार कर दिया कि मैं आपको नहीं जानता, मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, उन्होंने संकल्प लिया, और संकल्प ले करके उन्होंने अपने गर्भ में जो शिशु पल रहा था उसका संकल्प लिया कि मैं इसको चक्रवर्ती सम्राट बनाऊंगी, और भरत को पैदा किया जिसके नाम से आपका देश भारत पड़ा। इसी तरह से मदालसा रानी ने ये संकल्प लिया कि हम अपने बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बनाएंगे। उन्होंने अपने तीन बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बनाया, और राजा के कहने से चौथे बच्चे को अपनी इच्छा शक्ति से एक सफल शासक बनाया। ऐसी बहनें इस क्षेत्र में थीं, तब उनका जो है समाज में ऊंचा स्थान था, उनको पूज्य दृष्टि से देखा जाता था। उन जो हमारे घर थे, परिवार थे, वो नर रत्नों की खदान थे, जिसके कारण ऐसे ऐसे हमारे नररत्न पैदा होते थे, ऐसे युवा पैदा होते थे जो भारत को जगत गुरु, चक्रवर्ती सम्राट बना देते थे। तो ऐसी ऐसी महिलाएं, ये इन महिलाओं का अब अकाल पड़ गया है। हजारों साल की गुलामी ने, हमारे अंधकार युग ने महिलाओं को तरह तरह से जकड़ दिया। आज वो अशिक्षित, शरीर से दुर्बल, मानसिक रूप से पिछड़ी हुई, आर्थिक रूप से अभावग्रस्त, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, मूढ़ मान्यताओं से ग्रसित, घर में चौकीदारनी, रसोईदारनी, और इस तरह से वो अपमानित, तिरस्कृत, हर तरह से एक बच्चों के भार से लदी हुई, प्रजनन की मशीन बनी हुई हमारी बहनें आज अपने महत्वपूर्ण जो उनका योगदान है उनसे वंचित होकर के छहर दीवारी में कैद हो गई हैं। आज उनकी ये हालत हो गई है कि उनका जो गौरव था बिल्कुल नष्ट हो गया है। इस गौरव के कारण क्या हुआ, नष्ट होने के कारण पुरुष और नारी में भेद हो गया।
पुरुष के लिए पत्नी के लिए पतिव्रत धर्म, लेकिन पति के लिए कुछ नहीं। विधुर विवाह कर सकता है लेकिन विधवा नहीं कर सकती है। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अनमेल विवाह, तरह तरह की कुरीतियों ने हमारे समाज को घेर लिया। सबसे बड़ी कुरीति दहेज प्रथा। दहेज प्रथा जो है ये इस समय का राक्षस है, जिसने लड़के और लड़कियों में भेद कर दिया है। लड़कियों का लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, उनका आहार विहार, सब कुछ जो है अब जो है अंतर आ गया है। उनको जो है अब पढ़ाया नहीं जाता, कि पढ़ाने में उतना पैसा कौन खर्च करेगा कि दहेज में कैसे जाएगा। तो आज ये हमारी जो बच्चियां हैं, इसीलिए भ्रूण हत्या हो रही है। आज की युवा नारियों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि वो अपने घर में ही असुरक्षित हैं। घर में, ऑफिसेज में हमारी युवा नारियां जो हैं वो असुरक्षित हैं। उनको जो है यौन शोषण, उनका जो है अश्लीलता, भ्रूण हत्या और तरह तरह से जो है उनको तिरस्कृत किया जा रहा है, जिसके कारण आज महिला त्राही त्राही कर रही है। और इस त्राही त्राही को देखकर उस प्रज्ञा अवतार की जो हृदय था वो कराह उठा, और उनके अंदर से एक करुणा का विस्फोट हुआ। परम मंदनिया माता जी कहती थी, जब परम पूज्य गुरुदेव इस चीज़ों को पढ़ते थे तो उनकी आंखें लाल हो जाती थी, वो रात भर सो नहीं पाते थे, उनकी तकिया गीली हो जाती थी। परम पूज्य गुरुदेव की ये हालत देख करके वो माता जी परेशान हो जाती थी। एक व्यक्ति ने मथुरा में पूछा परम पूज्य गुरुदेव से कि परम पूज्य गुरुदेव, आपने ये महिला जागरण अभियान चला दिया, महिलाएं तो इतनी पिछड़ी हुई हैं, ये कहाँ से जागृत हो सकती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, ये युग निर्माण योजना जो है ये किसी व्यक्ति की चलाई हुई योजना नहीं है, ये ईश्वरीय योजना है, और इसका आधार है व्यक्ति, परिवार और समाज निर्माण, और उसकी धुरी है नारी। यदि नारी जागृत नहीं हुई, यदि नागरिक स्वावलंबी नहीं हुई, यदि नारी सुसंस्कारित नहीं हुई, तो ये युग निर्माण योजना के जो कार्यक्रम हैं वो सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसी जागृत नारी ही सुसंस्कारित परिवारों में ऐसी संतान सुसंस्कारित और सद्गुणी संतान दे सकती है, जो कि आज के युग की समस्याओं का समाधान कर सकती है। इसलिए नारी जागरण अभियान एक ईश्वरीय अभियान है, ये समाप्त नहीं हो सकता, इसके ईश्वर का संकल्प है, और ये संकल्प पूर्ण होके रहेगा। और तब परम पूज्य गुरुदेव ने ये नारी जागरण अभियान वंदनिया माता जी को एक केंद्र बना के प्रारंभ किया। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, मेरा शरीर तो एक पुरुष का है, लेकिन मेरी चमड़ी उतार करके कोई देखे तो इसके अंदर एक माता का हृदय है, जिसके अंदर करुणा, ममता, उदारता, दया की गंगा और जमुना बह रही हैं, और उस गंगा जमुना में जब नहाएंगे लोग तो फिर ये चीज़ें फैलती हुई चली जाएंगी। वंदनिया माता जी के साथ पांच बहनों ने मिल करके ये प्रज्ञा मंडल, ये महिला मंडल जो था ये मथुरा में प्रारंभ किया, जिस बीज ने एक वट वृक्ष का जो है रूप धारण किया और क्रियाशील हो गया। आज वही महिला मंडल श्रद्धेया जी के मार्गदर्शन में अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में ये बहुत तेजी से आंदोलन के रूप में फैलता चला जा रहा है। ये जो था महिला मंडल के कार्यक्रम जो थे, विधिवत परम पूज्य गुरुदेव ने 1973 में शांति कुंज से प्रारंभ किया था, जब उन्होंने नारी जागरण अभियान पत्रिका लिखी थी, और 76 में उन्होंने यहाँ पे देव कन्याओं का वंदनिया माता जी ने प्रशिक्षण प्रारंभ किया था। टोली निकली थी हमारी देव कन्याओं की, लखनऊ पहुँची, वहाँ पे गवर्नर एम चेन्ना रेड्डी थे, उन्होंने जब देव कन्याओं का ये प्रवचन सुना तो वो इतने आंदोलित हो उठे कि उन्होंने शांति कुंज आने की इच्छा व्यक्त की, और शांति कुंज आकर के जब उन्होंने यहाँ पे देखा कि महिला प्रशिक्षण कैसे दिया जा रहा है, तो वो कहने लगे कि अभी तक तो मैंने अपाला, गार्गी, मैत्रेयी आदि को देखा था, सुना था, लेकिन आज मैं
मुझको ये आभास हो रहा है कि शांति कुंज से वो शक्ति निकल रही है कि जो गांधी जी के सपने को साकार कर रही है। ये शक्ति जो है, जैसे कि शंकराचार्य ने संस्कृति एक सांस्कृतिक एकता के लिए एक अभियान चलाया था दक्षिण से उत्तर की ओर, और ये सांस्कृतिक एकता का अभियान शांति कुंज से चल रहा है, जो कि यही नहीं, अपने ही देश में नहीं बल्कि पूरे देश में ये शक्ति जो है फैलती चली जा रही है। ये चेन्ना रेड्डी का कहना था। तो इस तरह से ये अभियान चलता चला गया। अब परम पूज्य गुरुदेव ने जो ये नारी जागरण अभियान चलाया तो, और वंदनीय माता जी के माध्यम से, तो इस जागृत महिला का मतलब क्या होता है? जागृत महिला का मतलब ये थोड़ी कि खाली पढ़ लिख लेना। जागृत महिला का मतलब होता है वो नारी जो सुयोग्य हो, जो सुशिक्षित हो, जो स्वावलंबी हो, जो सुसंस्कारित हो, जो स्वस्थ हो और जो सुविकसित नारी होगी। ऐसी नारी जैसे कि हमारे वैदिक एज में थी, जैसे जिसके समय में हमारा देश जगत गुरु था, ऐसी नारियाँ जब होंगी, जागृत नारियाँ, तब जा करके ये जो है ये सपना साकार होगा। ऐसी नारियों को जागृत करने के लिए उन्होंने कहा कि, और वो नारियां जो ऐसी नारी हैं लेकिन उसके साथ साथ वो अपने अधिकारों का सदुपयोग करती हैं। महिलाओं के बहुत अधिकार हैं जो कि मौलिक अधिकार उनके हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, समानता का अधिकार। एक समय था जब नारियां हमारी ऊंचे स्थान पर थीं, आज नारियां बराबर के स्थान पर भी नहीं हैं, वो दोम दर्जे की नागरिक हैं। तो उनको समानता का अधिकार और इस तरह से सम्मान। सम्मान क्या है? आज रोज आए दिन घरों में हिंसा हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस से हमारा समाज परेशान है। नारियां, हमारी लड़कियां, हमारी युवा नारियां परेशान हैं कि घर में हिंसा हो रही है। तो इस तरह से ये अपने अधिकारों का जो है पूर्ण रूप से सदुपयोग करते हुए, जब वो अपने महत्वपूर्ण जो उनके उत्तरदायित्व हैं उनका निर्वाह करें। अब उनके उत्तरदायित्व क्या है महिलाओं के? सबसे पहला उत्तरदायित्व है कि परिवार में शालीनता और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना। कौशल्या जी ने भावनात्मक संतुलन बनाया था, कौशल्या जी ने शालीनता का एग्जाम्पल प्लेस किया था जब उनके बेटे को बाहर निकाल दिया गया था, जंगल भेज दिया गया था भगवान राम को, और उस समय राम राज्य की स्थापना हुई। क्यों? क्योंकि ना उन्होंने किसी के स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाई और उन्होंने घर का जो वातावरण वैसे ही बनाए रखा, और कहना नहीं आया था कि द्रौपदी को, और सहना नहीं आया था द्रौपदी को, तो भारत का एक महाभारत का युद्ध छिड़ गया। तो इस तरह से हमारी बहनें अपने घर में शालीनता का और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना हमारी बहनों का कार्य है। भावी पीढ़ी को समुन्नत और उनको योग्य बना देना, वो केवल अपने अपने परिवार, अपने समाज की समस्याओं को नहीं बल्कि राष्ट्र की और युग की समस्याओं के समाधान में अपना योगदान दें, ऐसी भावी पीढ़ी को उत्पन्न करना हमारी बहनों का दूसरा उत्तरदायित्व है। अपने राष्ट्र के आर्थिक प्रगति में योगदान देना, स्वावलंबी बनना, खुद का ही नहीं बल्कि राष्ट्र को जो है स्वावलंबन। अभी आधी जनसंख्या हमारी परावलंबी है लगभग, उसके कारण हमारा देश आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। अभी आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा यह नारियां कंधे से कंधा मिला के चलने लगें तो हमारा राष्ट्र कुछ दिनों में ही पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा समर्थ राष्ट्र हो जाएगा। तो हमारी बहनों को अपने स्वावलंबन से इसको करके उनको अपने देश को आर्थिक प्रगति के लिए आगे बढ़ाना है। जो चौथा उनकी जिम्मेदारी है, न केवल अपने को सुयोग, सुशिक्षित, स्वावलंबी और सुसंस्कारित करना बल्कि नारी समुदाय को भी उनको जागृत करने का, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी बहनों के। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने नारी जागरण अभियान चलाया और इस नारी जागरण अभियान के अंतर्गत उन्होंने कुछ कार्य बताए कि प्रारंभ अपने घर से करना है और नर और नारी को, दोनों को एक साथ आगे आना है। नारी को साहस से, उत्साह से अपने को आगे बढ़ाना है। आज नारियां सब दबी हुई हैं,
कैसे? जैसे कि एक कैदी को अगर बहुत साल तक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाए और उसको फिर प्रकाश दिखाया जाए तो प्रकाश नहीं देखता, इसी तरह से हमारी बहनें भी अगर उनसे कहा जाता है घर के बाहर निकलिए, आप स्वावलंबी बनिए, तो वो अपने घर में ही रहना पसंद कर लेती हैं, वो बाहर निकलना नहीं पसंद करती। हमारे भाइयों का उत्तरदायित्व तो है कि उनको उत्साहित करें, उनको प्रेरित करें, उनको आगे बढ़ाएं और उनको इस तरह से कार्य में आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। आज लोग कह देते हैं कि ये जो समस्याएं हैं हमारे घर में, जैसे अभी बताया गया कि दहेज प्रथा, अब दहेज प्रथा की जब बात आती है तो हमारे भाई लोग कह देते हैं ये सबसे पहले नारियां ही दहेज की बात करती हैं। तो नारियां जो हैं वो अपने मानसिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, उनका मानसिक रूप से पिछड़ापन दूर करना भी तो भाइयों का काम है। जब अगर हमारे भाई उस पितामह की तरह हो जाएंगे कि द्रौपदी के चीरहरण के समय वो मौन बैठ जाएंगे तो नारियां आगे कैसे आएंगी? आपके घर में अनाचार अत्याचार हो रहा है, दहेज प्रथा के लिए नारियां आग्रह कर रही हैं, बहू के साथ गलत व्यवहार कर रही हैं, तो आप क्यों पितामह की तरह बैठ जाते हैं? आपको आगे आना चाहिए, आपको कृष्ण भगवान की तरह आगे आना चाहिए। इस अनित और अत्याचार के लिए साहसपूर्वक उनसे आप जूझ जाइए और फिर देखिए कैसे नारियां इस काम को नहीं करती हैं। उनके हर बात को तो हम नहीं मानते, लेकिन जिसमें हम अपना लाभ देखते हैं उसमें कह देते हैं नारियां ही तो ऐसा करती हैं, ये बहुत गलत बात है। तो आपको तो आगे आना ही है, आपको तो इस काम को करना ही है, लेकिन हमारे भाइयों की भी पूरी जिम्मेदारी है कि उनकी ये मानसिक पिछड़ेपन को दूर करना है। तो इस तरह से महिला मंडल के माध्यम से जो आपके यहाँ जो कार्यक्रम चलेंगे महिला मंडल के, उसमें क्या करना है? महिला मंडल के माध्यम से बौद्धिक और उनकी व्यवहारिक शिक्षण जो है दिया जाएगा। बौद्धिक शिक्षण का मतलब ये है कि नारियों को बहुत सारी चीज़ें सिखाना, जैसे अशिक्षा है तो अशिक्षा को दूर करना, उनको थोड़ी शिक्षित करके अच्छी किताबों से जोड़ देना, उनको स्वाध्याय सत्संग और संगीत से जोड़ देना, ये जो है ये उनका जो है बौद्धिक शिक्षण है। उनकी जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए उनको जानकारी दे देना, अवेयरनेस प्रोग्राम चला देना। इसके अलावा जो कुरीतियाँ मूढ़ मान्यताएँ जैसे दहेज है या आपके यहाँ नशा है, इन चीज़ों के विरुद्ध जो है उनको जानकारी दे देना, तन के खड़े हो जाने के लिए हिम्मत दे देना, ये आपकी महिला मंडल का बौद्धिक शिक्षण है। इसके अलावा व्यवहारिक शिक्षण कुछ गुरुदेव ने बताए हैं कि एक घर में बहुत तरीके के लोग होते हैं, उस बहुत सारे लोग में तालमेल बिठा लेना, उनको सहना आ जाए, कहना आ जाए, तब रहना आ जाए, इस टाइप का शिक्षण दे देना, संयम सेवा और सहिष्णुता सिखा देना, ये उनका व्यवहारिक शिक्षण है। उनके जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है, विषय है, जैसे कि बच्चे को पालन करना, पुष्टाहार, कैसे अपना पाक विद्या बनाएं और कैसे स्वस्थ रहें, स्वस्थ और अपने घर को कैसे स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखें, कैसे आर्थिक स्वावलंबन, कैसे आर्थिक मितव्ययता करें, इन सब चीज़ों का ज्ञान दे देना, ये हमारे महिला मंडलों की जो है ये शुरुआत है। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हैं, तो अपने घर से शुरू करना है। जितनी कुरीतियाँ मूढ़ मान्यताएँ, पर्दा प्रथा और आपकी दहेज प्रथा जो सबसे बड़ा राक्षस है, इस दहेज प्रथा को जड़ से निकाल फेंकिए। आज पूर्व संध्या पे परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति जो काम कर रही है, इसमें संकल्प लेके जाइए कि हम अपने घर में आज से जो भी बच्चे की लड़के की शादी करेंगे उसमें दहेज नहीं लेंगे। ये एक छोटा सा कार्यक्रम है और इस अगर दहेज को दूर करने के लिए आपने एक कदम बढ़ा दिया तो आप समझ लीजिए नर और नारी के बीच का भेद जो है वो समाप्त हो जाएगा। आज कन्या भ्रूण हत्या के लिए जो हमारे यहाँ असंतुलन बना है, जिसके कारण आज कह रहे हैं सब लोग कि ऐसा पैशाचिक समय आ जाएगा कि जो है
कि नर जो है बिल्कुल पिशाच के समान हो जाएगा, क्योंकि महिलाएं कम हो जाएंगी और पुरुष ज़्यादा हो जाएंगे। ये बीभत्स ऐसी प्रकृति को रोकने का काम आप तभी कर सकेंगे जब आप दहेज के दानों को यहाँ से ख़त्म कर सकेंगे। तो इस तरह से ये जो थोड़े थोड़े कार्यक्रम के माध्यम से ये अगर आप शुरुआत कर देंगे तो महिला जागरण का कार्य जो है ये ईश्वरीय कार्य है, और ईश्वरीय कार्य जो करता है वो भक्त भगवान से बड़ा हो जाता है। हनुमान जी ने पूरी निष्ठा से भगवान का काम किया था। आज भगवान के हनुमान जी के मंदिर भगवान राम से ज्यादा हैं। हफ्ते में दो दिन उनकी उपासना होती है, भगवान राम की तो रामनवमी के दिन होती है। तो ये ईश्वरीय कार्य में अगर योगदान दे दिया तो देवरहवा बाबा के हिसाब से, उनके कहे कथानक के अनुसार, आपकी 10 पीढ़ियां धन्य हो जाएंगी। अब वो समय आ गया है जबकि अतीत को पुनः स्थापित करने के लिए पूरे विश्व की के जो विभीषिकाएं हैं उनको समाप्त करने के लिए और नारी समाज को फिर पुनः स्थापित करने के लिए, पति को नई सहधर्मिणी देने के लिए, बच्चे को नई निर्माणकर्त्री देने के लिए, परिवार में नई गृहलक्ष्मी देने के लिए, और भारत के अपने समाज पर, भारतीय समाज पर जो आपका कलंक लगा हुआ है नारी शोषण का, उसको हटाने के लिए नारी को अब मनुष्य के स्तर पर लाना पड़ेगा, नारी को जागरण करना ही पड़ेगा, और तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि ये इस युग का, ये पूरे आज तक जितने भी आज तक आंदोलन चले हैं, नारी जागरण जो है आज तक का सबसे बड़ा नारी जागरण आंदोलन होगा। और ये आंदोलन जो है, यदि नारी को जागृत नहीं किया तो युग निर्माण की संभावनाओं को सुनिश्चित करना एक बहुत ही मुश्किल काम होगा, ये परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है। और ये भी कहा है कि नवयुग जो है वो इन विभीषिकाओं को समाप्त करने के लिए तूफानी गति से दौड़ता चला आ रहा है। अब इसमें ये जो अट्ठास कर रहा है आपका नारी शोषण का महादैत्य, वो समाप्त होकर रहेगा। महाकाल का शंखनाद बज चुका है। अब हमको चुप नहीं रहना है, अब हमको श्रेय और सम्मान लेने के लिए, भगवान के कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, फिर से नए युग का निर्माण करने के लिए और युवाओं को नई शक्ति देने के लिए नारी जागरण का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, उसको पूरा करना पड़ेगा। हर गिरी हुई चीज़ कमज़ोर नहीं होती, पानी जब ऊपर से गिरता है टरबाइन पे तो वो एक नई शक्ति बनाता है। इसी तरह से आज महाकाल का आवाहन है नारियों के लिए, उनके लिए आवाहन है कि वो अपने सोई हुई हनुमान की शक्ति को जगाएं, वो फिर से दुर्गा सरस्वती और काली की शक्ति को जगाएं, वो आगे आए सुयोग सुशिक्षित स्वावलंबी बने, लेकिन अनुशासन के साथ। वो अनुशासन है कि ना नर की तौहीनी और ना नारी की स्वेच्छाचारिता। यदि नारी स्वतंत्र है तब तो ठीक है, लेकिन यदि नारी स्वच्छंद हो गई तो वो भटकाव है, बहकाव है। स्वतंत्रता का मतलब है नैतिक, विवेकपूर्ण नैतिक जीवन जीते हुए अपने प्रगति के मार्ग को प्रशस्त कर सके। यदि ये नारी ऐसी हो जाएगी तो नारी जागरण होता चला जाएगा, और नारी जागरण से ही नए युग का निर्माण हो सकेगा, युवाओं का निर्माण हो सकेगा, और हमारा युग निर्माण का संकल्प की आशा पूरी हो सकेगी। ओम शांति।